हेलो बच्चों लेट्स सी टूडे इस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज इफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ वन कामा टू टू कॉमा फोर थ्री कॉमा फाउ वन एंड फोर कॉमा के इज अ वन टू वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए वेयर ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट का यूज आएगा जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वन टू वन फंक्शन वन टू वन फंक्शन क्या होता है वन टू वन फंक्शन इज अ काइंड ऑफ फंक्शन इन विच ईच एलिमेंट इज यूनिकली मैप टू इट्स एलिमेंट इन को डोमेन तो हम ये इसको कैसे समझ सकते हैं देखिए हमारे पास जो सेट किया है वो है ए दिस इज वन टू थ्री फोर और ये सेट ए से ही मैप्ड है वन टू थ्री फोर और जो हमारे पास एफ है वो एक वन टू वन फंक्शन है जिसमें वन इज़ कनेक्टेड टू 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 इज़ कनेक्टेड टू फोर जो हमारा थ्री है वो वन से कनेक्टेड है और जो हमारा फोर है वो किसी के से कनेक्टेड है तो क्योंकि हमारा फोर कैन नॉट बी मैप्ड विथ वन टू एंड फोर क्यों क्योंकि वो ऑलरेडी मैप्ड है दूसरे एलिमेंट से सो फोर इज मैप्ड विथ थ्री क्योंकि थ्री ही एक लास्ट एलिमेंट बचा है जिससे फोर को मैप किया जा सकता है इसका मतलब जो हमारे के की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू थ्री Hope you understood the solution this is a final answer all the best